कि मैं ये शेर सिर्फ इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनो बतौर खास। आसुओ तुम मेरी पलकों पे मचलते क्यों हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम शोरा का भी और आप हजरात का भी। शानदार गजल जमील भाई, मोहब्बत आपकी। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, अलीगढ़, सारे लोग तो आगरा के यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हादी जावेद साहब। बस इसी तरह से अपने जमील का ये शेर सुन लें जलेसर वालों। मैंने शुरू में भी कहा था, यहाँ से मैंने मुशायरे शुरू किए हैं नदीम फरोज साहब जी, जी। एक 35 बरस का अरसा हो रहा है, यहाँ जिस तरह से ये बच्चे बैठे हुए हैं इस तरह से हम आके बैठे हैं, मुशायरा सुना है, कुमार साहब को सुना है, शमीम जयपुरी साहब को सुना है, कितने नाम मैं बताऊँ, वेकल साहब को सुना है, इसी तरह से आप जैसे बैठे हुए हैं, यही वो जलेसर है जहाँ से मुझे इज्जत मिली, शोहरत मिली। मैं समझता हूँ इन बुजुर्गों की दुआएं हैं मेरे साथ। अमान सुनो, ये काम कर लेना, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुन लेना। जिंदा रहने का हुनर भूल गए हो शायद, नहीं बेटा जा, जिंदा रहने का हुनर भूल गए हो शायद, बर्फ की तरह से हर लम्हा पिघलते हो, बर्फ की तरह से हर लम्हा पिघलते क्यों हो, खौफ रुसवाई है तो घर से निकलते क्यों हो। एक गजल है मेरी जो इन दिनों मुशायरों में पढ़ रहा हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजते हैं। जी नदी नदी।